श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं पंडित नरेश चंद शर्मा। मित्रों, आज का हमारा विषय रहेगा संजीवनी रेखा। संजीवनी रेखा वो रेखा होती है कि यदि आपको पता हो तो रामायण के अंदर संजीवनी बूटी वो बूटी थी कि जिससे बड़े से बड़े रोगों को दूर भगाया जा सकता था, रोगी को ठीक किया जा सकता था। हनुमान जी उस बूटी को लाए थे और भगवान ने लक्ष्मण जी को ठीक किया था। तो मैं आज उस संजीवनी रेखा के बारे में बताने जा रहा हूँ कि यदि किसी हाथ के अंदर संजीवनी रेखा है और वो रेखा अपना कार्य किस प्रकार से करे कि आपको रोगों से बाहर निकाल लाए, तो वो रेखा कौन सी रेखा होती है, मैं उस रेखा को आपको आज बताने जा रहा हूँ। मित्रों, ये देखिए, ये आपके हाथ के अंदर आयु रेखा और ये हाथ के अंदर मस्तिष्क रेखा और ये हाथ के अंदर हृदय रेखा। तो ये जो आयु रेखा है, आयु रेखा के साथ में एक रेखा चलती है जिसको हम बोलते हैं संजीवनी रेखा। अगर मैं इस रेखा को यहां से यहां तक किसी व्यक्ति के हाथ में है तो, और यदि इससे आगे है तो, और यदि पूरी पूरी है तो, यानी कि ये रेखा आयु रेखा के अंदर के पर्व में बनी हुई रेखा है। कोई वो छोटे रूप में है, बड़े रूप में है, किसी भी रूप में है, वो रेखा संजीवनी रेखा होती है। और संजीवनी रेखा काम किस तरीके से करती है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। मान लिया किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर कहीं पर बहुत ही खराब, आप मैं देखता हूं कि ये व्यक्ति है और इस हृदय के व्यक्ति के यहाँ पर ये आपके यहाँ पर कोई सूर्य रेखा है और उस सूर्य रेखा पर कोई भी किसी भी प्रकार का क्रॉस का चिन्ह है या वहां पर कोई काला तिल है या यहाँ पर कोई दीप है। तो दीप है, काला तिल है, तो ये बताता है कि व्यक्ति को आने वाली नौकरी में या कोई आंखों के रोग या कोई हड्डियों के रोग, इस तरीके सूर्य रेखा यदि आपकी दूषित है तो उस पर पड़ने वाले ये रोग आपको मिलेंगे। लेकिन यदि इस रेखा से आकर के और संजीवनी रेखा से कोई रेखा निकले और इस रेखा को आकर छूले तो आप निश्चित रूप से समझ लिए कितने से कितनी बड़ी बाधा के पास जाएगा जरूर, क्योंकि यदि दीप बना है तो जाएगा जरूर, लेकिन यदि ये रेखा है तो आदमी बाल बाल बच जाएगा। इसके पास से उसका रोग, उसको अपनी नौकरी में मिलने वाली बाधाएं या नौकरी में निकलने वाले दाग से आदमी मुक्त हो जाएगा। ये रेखा यहां से निकल करके यदि सूर्य रेखा को टच करेगी तो वो सूर्य पर्वत से संबंधित जितने भी रोग होंगे उन सब रोगों को वो रेखा संजीवनी रेखा दूर कर देती है। अगली बार मैं बताने जा रहा हूं, यदि मान लिया किसी व्यक्ति को कोई भी रेखा और यहां पर ये इस पर्वत पर ये बुद्धि रेखा है और बुद्धि रेखा पर मान लिया कोई इसी तरीके का पर्व आ जाए, कोई काला तिल बन जाए, कोई क्रॉस का चिन्ह बन जाए, लेकिन संजीवनी रेखा ने आई और इसको सपोर्ट कर दिया, व्यक्ति का बुद्धि भ्रष्ट हुई, व्यक्ति को मस्तिष्क से संबंधित कोई बहुत बड़ा रोग हुआ, किसी ने कह दिया दिमाग में ट्यूमर हो गया, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि यदि यहां से यह संजीवनी रेखा आकर के और इस बुद्धि रेखा के अंदर आकर के मिल गई है तो जितने भी मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं उनसे व्यक्ति पार पा जाएगा, उनको जीत लेगा। अगली बात बताने जा रहा हूं, कृषि को बताया जाता है कि ये रेखा हृदय रेखा है, मैं भी मानता हूं हृदय रेखा है, लेकिन हृदय रेखा ये बात को इंगित कर देती है जब इसमें बहुत बुरे बुरे लक्षण पाए जाते हैं तो हृदय के रोग भी हो जाते हैं। मान लिया किसी व्यक्ति को यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का, यहाँ पर मान लिया उसको कोई भी कोई दीप मिल गया है या मान लिया कोई भी काला चिन्ह मिल गया है या कोई भी क्रॉस का चिन्ह मिल गया है या उस पर किसी भी प्रकार की बहुत सारी रेखा इस तरह से गिरती रहती है, काटती रहती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे,
तो आप ये समझिए कि व्यक्ति को हृदय रोग से संबंधित रोगों का सामना करना पड़ेगा और उन रोगों से निकालने वाली यदि कोई रेखा है तो वो रेखा है संजीवनी रेखा। संजीवनी रेखा हृदय रोग से निकालेगी, संजीवनी रेखा मस्तिष्क रोग से निकालेगी। संजीवनी रेखा का काम है आपको रोगों से मुक्ति दिलाना। मान लिया किसी व्यक्ति को यहाँ पर यदि हम देखें और उसको यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का बहुत बड़ा काला चिन्ह मिल गया है। अब ये पक्की बात हो गई कि यदि बृहस्पति पर काला चिन्ह है तो ये आपको अपने आपके जीवन में बदनामी देगा, आपके निर्णयों पर ग्रहण लगा देगा। लेकिन कोई रेखा संजीवनी रेखा आई और ये आकर यहाँ मिल गई तो समझ लीजिए ये रेखा यदि संजीवनी रेखा से आई है तो ये आपके सारे दागों को धो देगी। दागों का सामना करना पड़ सकता है, आपको बुराइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उस चीज से निकालने का यदि कोई काम करती है तो उसको हम संजीवनी रेखा कहते हैं। कई बार मैंने हाथों में देखा है और बहुत हाथों के अंदर मिलता है कि व्यक्ति है और व्यक्ति की शादी हो गई है, यहाँ पर ये विवाह रेखा है और विवाह रेखा पर किसी भी प्रकार का दीप है या कोई भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, गलत चिन्ह है, कोई क्रॉस का चिन्ह है, कैसा भी चिन्ह है, और ये रेखा यहाँ पर है और इसी रेखा पर आकर के संजीवनी रेखा यूं मिल जाती है। आप विश्वास मानिए कि ऐसे पति पत्नी आपस में कितने भी कलेश हो जाए, कितने भी झगड़े हो जाए, कैसा भी हो, पूरे जीवन कितना भी कोशिश करते रहे कभी भी तलाक का सामना नहीं करेगा और अंततः एक हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब ये एक रेखा है और यहाँ है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा पर मान लिया कोई भी आपको आपको ये किसी प्रकार का चिन्ह मिल रहा है या मान लिया कोई भी आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्रॉस का चिन्ह मिल रहा है या मान लिया आपको यहाँ अब कोई भाग्य रेखा आ गई है उस पर दीप उल्टे सीधे मिल रहे हैं तो इसके लिए भी यही फल है। यहां से आप संजीवनी रेखा निकली, इसने भाग्य रेखा को टच किया तो भाग्य रेखा पर लगे हुए दागों को भाग्य से संघर्ष कराएगी। अगर वो चिन्ह आ गए तो वो संघर्ष कराएंगे, लेकिन यदि संजीवनी रेखा वहां पर जाकर पहुंच गई है तो वो आपको सारे भाग्य से संबंधित, धन से संबंधित, रोगों से संबंधित, हड्डियों के रोगों से संबंधित, जितने भी रोग जो परेशानियां शनि क्षेत्र से संबंधित हैं, उनसे आपको वो रेखा निकालकर बाहर ले आएगी। एक ये पर्वत है बुध पर्वत से भी अगर सर ये रेखा निकल गई, संजीवनी रेखा मिल गई तो आपको बुद्धि से संबंधित, आपको धन से संबंधित, आपको संतान से संबंधित जो जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों से यदि बाहर निकालने वाली रेखा है तो वो है संजीवनी रेखा। एक आपके यहाँ पर बहुत देखने को मिलता है कि यहाँ पर कोई काला तिल है, ये चंद्र स्थान है, चंद्र स्थान पर क्रॉस का चिन्ह या किसी रेखा पर दीप का चिन्ह और उसका मतलब है आपको यात्राओं में सभी तरीके से आपको परेशानी का सामना, डिप्रेशन का सामना, मानसिक रोगों का सामना, लेकिन उसमें भी जाकर के यदि ये रेखा मिल रही है तो इस रेखा ध्यान रखना ये रेखा मैंने संजीवनी रेखा से कही है। चंद्र क्षेत्र से जाने वाली रेखाएं यदि यहां से पार हो जाती है तो वो विदेश रेखाएं हो जाती है, लेकिन यदि वो केवल संजीवनी पर्वत से निकली है, संजीवनी रेखा से निकली है तो संजीवनी रेखा यहां से जाने वाले मस्तिष्क रोगों को, डिप्रेशन के रोगों को, कई बार तो कैंसर तक के रोगों से बाहर निकाल करके ये रेखा ले आती है। हाथ के अंदर संजीवनी रेखा का बहुत बड़ा रोल है किसी भी व्यक्ति के भाग्य में। अब सूर्य पर्वत में, शनि पर्वत में, बृहस्पति पर्वत में, किसी भी जगह पर यदि संजीवनी रेखा जाती है तो उसके कारकों को, उसके बुरे बुराइयों को दूर कर देती है। आगे भी मैं आपको अन्य अन्य विषयों पर अवगत कराता रहूंगा, तब तक आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार।